हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि अपने यूट्यूब चैनल बानी रॉक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर सा एक DIY लेकर आई हूं। तो चलिए हम आज का अपना क्राफ्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो हमारा एक DIY है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, आपको पतला सा कोई भी कार्डबोर्ड ले लेना है और उसके ऊपर आपको स्केल से क्या करना है, 12-12 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर मेजर करके आप यहाँ पर लाइन से लगा लीजिए और सीजर के साथ आप उसको अच्छे से कट कर लीजिए। अगर सीजर से अगर कट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, इस तरह से 12 सेंटीमीटर के आपको 4 आपको यहाँ पर पीसेस कट कर लेने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 मुझे यहाँ पर सर्कल भी चाहिए। देखिए हमारे घर में नॉर्मल जैसे बाउल होती है, आपको उसके साइज़ के ही यहाँ पर आपको क्या करने हैं, 3 पीसेज आपको यहाँ पर कट कर लेने हैं। राउंड आपको बनाने हैं, जैसे 4 हमने स्क्वायर बनाए थे उसी तरह से आप यहाँ पर क्या करें, 3 आप राउंड यहाँ पर कार्डबोर्ड कट करके आपको रख लीजिए। अब बारी आती है कार्डबोर्ड पे वर्क करने की। तो देखिए जब भी आपको ये सूट आप अगर स्टिच करवाते हैं तो उसमें से कपड़ा हमारा बच जाता है। तो देखिए मेरे पास जैसे मैंने एक सूट सिलवाया था तो उसमें से मेरे पास थोड़ा सा वेस्ट क्लॉथ बच गया था। तो अब उसको फेंकने की बजाय मैंने क्या सोचा, चलो इसी से हम आज अपना क्राफ्ट बना लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो वेस्ट बिल्कुल आपका जो क्लॉथ होते हैं जो आपको किसी काम नहीं आते हैं, आज मैंने उसी का यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से आप इसको क्या करना है, क्लॉथ को आपको कट कर लेना है। जितना बड़ा आपने कार्डबोर्ड लिया है उससे आपको 2-2 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आपको इसे कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है तो थोड़े एक्स्ट्रा आपको इसमें क्लॉथ आपको रखना ही होगा। और देखिए फेविकोल लगा के आप इस तरह से इसको अच्छे से सेंटर में रख लीजिए कार्डबोर्ड को, और ग्लू लगा करके आप जितना भी आपका क्लॉथ एक्स्ट्रा बच रहा है आप उसको अच्छे से इस तरह से देखिए पेस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर फेविकोल MR है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी बहुत ईजिली आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपके पास जितने भी राउंड हमने पीसेस बनाए हैं उनको और जो हमने ये स्क्वायर हमने कार्डबोर्ड कट किए थे सबको आप उसी तरह से देखिए आपको क्या करना है, इनके ऊपर कपड़ा लगा देना है। और राउंड वाले जो हमने कार्डबोर्ड लिए थे उनके ऊपर मैंने इस तरह से प्लेन वाला मैंने क्लॉथ लिया है, तो मैंने थोड़ा सा कलर मैच कर लिया है। अब देखिए जो हम क्राफ्ट बना रहे हैं फ्रेंड वो हमारा एक तोरण है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर की पट्टी भी हमें लेनी है। तो वो भी मैंने देखिए यहाँ पर प्लेन क्लॉथ में से निकाली है, क्योंकि जो मेरे पास जो क्लॉथ था डिज़ाइन वाला था वो कम था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, प्लेन वाला ही क्लॉथ ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इसके ऊपर वर्क करना था, इसलिए प्लेन आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से गोटा पट्टी की लेस हमारे पास आती है, तो मैंने उसी को छोटे छोटे देखिए इस तरह से कट कर लिया था। और जो कपड़े के ऊपर मैंने यहाँ पर पहले ही चौक से थोड़ा सा मैंने मार्किंग कर ली थी, तो ताकि थोड़ा ईजी रहे जो लाइन्स है हमारे वो एकदम स्ट्रेट बने। तो गोटा पट्टी की जो हमने जितने भी हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स कट की थी तो मैंने उनको इस तरह से देखिए लगा लिया है। तो ग्लू लगा करके आप इनको अच्छे से क्या कर लें, पेस्ट कर दें। अब इसको थोड़ी सी क्लॉथ को हमें क्या देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बुकरम चाहिए होती है। तो जितनी आपने चौड़ाई में आपने क्लॉथ को कट किया है ऊपर वाले को उतने ही साइज़ के आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बुकरम भी कट कर लेनी है। तो ये बुकरम मेरे पास थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें बुकरम का मैंने क्या किया, यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसको जो हमने गोटा पट्टी से जो हमने पूरे एक ऊपर वाला क्लॉथ हमने रेडी किया था उसको हमने बुकरम के साथ अटैच किया है। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है, क्योंकि मैं फेविकोल जब भी लगा रही थी फ्रेंड तो ये बार बार अपने प्लेस से हट जा रहा था, तो फिर जब मैंने ग्लू गन से इसको लगाया तो वो बहुत अच्छे से मेरा स्टिक हो गया। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप ग्लू गन की हेल्प से धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, क्लॉथ को बुकरम के ऊपर पूरा अच्छे से आपको पेस्ट कर लेना है। अगर फेविकोल SH है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन MR से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर उसको आपके ऊपर कोई आपको क्लॉथ के ऊपर कुछ ना कुछ आपको थोड़ा वेट रखना होगा और थोड़ा सा आपको फिर इसके लिए थोड़ा रुकना भी होगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ग्लू गन का ही यूज़ करें, क्योंकि वर्क भी आपका इसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और ड्राई होने में भी ये ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है। तो इस तरह से आपको ऊपर वाले हमें क्या करनी है, तोरण के ऊपर वाली पट्टी इस तरह से रेडी कर लेनी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स में आपको फिनिशिंग के साथ वर्क को ख़त्म करना है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा और डेकोरेट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटे वाले पॉम्पॉम, आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो मैंने येलो कलर के यहाँ पर पॉम्पॉम लगाए हैं और देखिए मैंने
स्टार्टिंग में और एंड में मैंने यहाँ पर ये लगाए हैं और थोड़े से सेंटर में लगाए हैं, पूरी पट्टी के ऊपर मैंने पम पम वर्क नहीं किया है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, सेंटर में वर्क करना है। तो देखिए मैंने सेंटर में यहाँ पर क्या किया है, इस तरह से पम पम मैंने थोड़े से लगाए हैं और जो स्पेस हमारे पास बच जाता है उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारे मिरर आते हैं फ्रेंड, थोड़े से बड़े साइज के मैंने यहाँ पर मिरर लिए हैं और उनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो हमारी बहुत सुंदर सी हमारी एक पट्टी बनकर रेडी हो गई थी। अब देखिए जो हमने कार्डबोर्ड तैयार किए थे, अब हम उनके ऊपर करने वाले हैं थोड़ा सा लेस वर्क। तो देखिए जो मैंने अभी आपको ये लेस दिखाई है, आप मार्केट से आपको बहुत ही कम पैसों में आपको ये मिल जाएगी, और अगर आपके पास कोई और भी लेस है जो आपको इजीली अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और देखिए ग्लू गन की हेल्प से मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पे कट किए हैं। तो फिनिशिंग के साथ आप इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी आपके पास बोर्ड हैं आपको क्या करना है, उन सबके ऊपर इसी तरह से देखिए उनको रेडी कर लेना है। अब बारी आती है थोड़ा सा मिरर वर्क करने की। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो हमने लेस लगाई थी फ्रेंड, उसके साइड में मैंने सारे क्या किए हैं, थोड़े बड़े साइज के मैंने यहाँ पर मिरर लगाए हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर शेप के आप मिरर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये राउंड मिरर थे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राउंड मिरर से लगा दिए। तो इस तरह से देखिए आप जितने भी आपके पास ये स्क्वायर वाले आपके पास कार्डबोर्ड हैं, आप उनको इस तरह से मिरर लगा के रेडी कर लीजिए और उनको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और ड्राई होने, जब तक ये ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए जो हमारे पास राउंड वाले जो हमने कार्डबोर्ड रेडी किए थे उस पर मैंने थोड़े और बड़े साइज के मैंने यहाँ पर मिरर लगाए हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा गैप मैंने इनके ऊपर अंदर रखा है, आपको बहुत ज़्यादा इनको नहीं लगाना है। और सेंटर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमने पहले लेस यूज़ की थी स्क्वायर वाले कार्डबोर्ड के ऊपर, सेम वही लेस मैंने यहाँ पर भी यूज़ की है। तो आप पहले से इसको कट कर लीजिए और थोड़ा सा मेज़र करके आप इसको क्या करना है, आपको इस तरह से इसके सेंटर में आपको इसको अच्छे से आपको इसको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आपके रेडी हो जाते हैं, आपको जितने भी आपने यहाँ पर तीन जैसे हमने पीसेस बनाए थे तो तीनों पीसेस पर आपको उसी तरह से यहाँ पर लेस लगानी है और सो क्या करना है, इस वर्क को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे अब दिवाली आ रही है तो चीजों को हम जितना ज्यादा डेकोरेट करते हैं वो उतनी ही सुंदर लगती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और हम डेकोरेट करते हैं। फ्लावर बने हुए आते हैं तो मैंने वहां पर इसको सेंटर में ना लगा के बल्कि मैंने एक साइड में इसको लगाया है और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर पॉम पॉम लगा दिया है। तो बहुत ही सुंदर से हमारे ये कार्डबोर्ड बनकर तैयार हो गए थे। और उसी तरह से मैंने स्क्वायर वाले जो कार्डबोर्ड बनाए थे उनके ऊपर भी सेम मैंने वही पैटर्न फॉलो किया है। तो अब इस तरह से आप जितने भी आपके पास आपने कार्डबोर्ड रेडी किए हैं उन सबके ऊपर आपको इसी तरह से वर्क कर लेना है। अब इसके लिए हम छोटी सी हम क्या करते हैं, लटकन बना लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर बेल ली है, उसके बाद एक पॉम पॉम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 या 6 मैंने यहाँ पर मोती डाले हैं। तो आपको जितने लंबी लटकन आपको अच्छी लगती है आप उतने बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लटकन जितने, जैसे 4 हमारे पास स्क्वायर वाले कार्डबोर्ड थे और 3 हमारे पास राउंड वाले थे, तो मैंने टोटल यहाँ पर 7 मैंने लटकन बनाकर तैयार की है। और देखिए फेविकोल की हेल्प से मैंने सेंटर के अंदर मैंने इन सबको क्या किया है, पेस्ट कर लिया है। तो अब इनको अच्छे से पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट होने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर वाली पट्टी तैयार की थी अब आपको करनी है उसमें मार्किंग। तो आप एक कार्डबोर्ड को ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है। तो आपको अच्छे से आपको क्या करना है, सेंटर निकाल करके आपको इनको ज्वाइन करने के लिए लाइनिंग लगा लेनी है। और देखिए एक एक करके आपको क्या करना है, सभी कार्डबोर्ड को आपको ऊपर वाली पट्टी के साथ इन सबको ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको एक यहाँ पर ज्वाइन करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको सभी को इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन आपको क्या करना है, ऊपर वाली पट्टी का लेना है और कार्डबोर्ड को जो हमने तैयार किए थे उसके अंदर से आपको अच्छे से आपको नीडल की हेल्प से इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। बस आपने जो मार्किंग की थी फ्रेंड उन्हीं के ऊपर आपको इनको अच्छे से ज्वाइन करना है। इसके बाद देखिए जो थ्रेड हमें दिखाई दे रहे हैं अब हमें क्या करना है, उनके ऊपर एक एक पॉम पॉम लगा देना है। तो फिनिशिंग के साथ आपकी तोरण बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी सुंदर हमारी तोरण बनकर तैयार होगी फ्रेंड कि कोई कहेगा ही नहीं कि आपने ये घर पर ही बनाए हैं। तो देखिए अब थोड़ा और हम इसके अंदर फिनिशिंग लाते हैं। जैसे फ्रंट से तो हमारी तोरण बहुत सुंदर दिख रही है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो बैक साइड में हमने थ्रेड के साथ जो हमने वर्क किया था हमें क्या करना है, जो लटकन लगाई थी उसके पीछे हमने क्या किया, यहाँ पर पेपर के साथ उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा क्राफ्ट है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
और जो हमारे देखिए अब ये बुकरम जो हमारे दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही मैंने बाद में क्या किया था, रेड कलर से अच्छे से मैंने इसके ऊपर क्लॉथ लगा दिया था। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लॉथ लगा के उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए ये है फाइनली हमारे तोरण का लुक, कितनी सुंदर हमारी और कलरफुल हमारी एकदम तोरण बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। बचे हुए कपड़ों की कतरन और हमारा वेस्ट कार्डबोर्ड देखिए इतना सुंदर से तोरण में भी बदल सकता है, मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि हाँ हम इसे कुछ ना कुछ बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं। तो देखिए इतनी सुंदर हमारी ये तोरण बनकर तैयार हुई है कि कोई कहेगा ही नहीं कि आपको आपने इसको घर पर बनाया है। तो फ्रेंड आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और इतने अच्छे से कमेंट करते हैं फ्रेंड, मैं उनसे इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही इजी चीज़ें लेके आऊँ जो आप इजीली अपने घर पे बना सकें और बहुत ही कम दाम में आप उनको बना सकें। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे वैसे भी हमारे बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में तो हम बचत कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी क्रिएटिविटी हम तक नहीं बल्कि सब तक पहुँचनी चाहिए और सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड आपने मेरा साथ यहाँ तक दिया है और फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरा साथ इसी तरह से देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ और एक नए DIY के साथ। तो फ्रेंड इसी तरह से आप क्राफ्ट बनाते रहिए और खुश रहिए।